जितने व्यापारी भाई यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक जोरदार आवाज के साथ नारा लगाएं ताकि प्रशासन तक इस नारे की गूंज पहुंचे और उनके जो काम बंद पड़े हैं वो काम खुले। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, जोर जुलम की टक्कर से, जोर जुलम की टक्कर से। हमारे बीच हरियाणा व्यापार मंडल के प्रधान बजरंग दास गरज जी, जिला प्रधान महावीर कंप्यूटर जी, अलग अलग एसोसिएशन के जो जुलाना के व्यापार मंडल से प्रधान हैं, अलग अलग गांव के सरपंच साथी हैं और जितने यहां पे व्यापारी साथी आए हैं सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। देखिए जो हमारे भाई हैं यहां से आपके बजरंग जी, इनके साथ जो कल ये फिरौती मांगने की घटना हुई है ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। आपने पहले भी देखा है कि जुलाना में लगातार जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। पहले भी जुलाना के व्यापारियों को गोली मार दी गई थी परंतु उसके बावजूद भी प्रशासन पुलिस चुप रहती है और कहीं ना कहीं मेरा तो पुलिस और प्रशासन पे आरोप भी है कि वो उन अपराधियों का साथ देती है, वरना पुलिस के पास क्या बात इतने साधन नहीं होते कि अगर इनके पास, जैसे कि बजरंग जी ने बताया कि उनका नाम भी है, मोबाइल नंबर भी है, गांव भी है और उसके बाद भी वो अपराधी पकड़े नहीं जाते, तो सोचिए इतने डर के साये में कोई कैसे व्यापार कर सकता है। और जैसा कि बजरंग जी के बारे में मुझे पता चला कि इतने मिलनसार और इतनी इंसानियत रखते हैं कि अगर आधी रात को भी किसी को दवाई की जरूरत पड़ती थी तो ये अपनी दुकान खोल के उसको दवाई मुहैया कराते थे। तो सोचिए जब इनके साथ इस तरह की घटना होती है, इसे बड़ी अधिकारी से बात करते हुए बजरंग दल हिसार के व्यापार मंडल के अध्यक्ष और उसका भी एकदम चुप हुए हैं। तो विशेष कौन है? तो अगर ऐसे व्यापारी के साथ ऐसी घटना होती है तो सोचिए वो कैसे इतने डर के साये में कैसे आधी रात को आके जो जुलाना की जनता की मदद कर पाएगा। और दूसरी बात, व्यापारी सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं सरकार को, जो सरकार के खजाने में पैसा जाता है वो व्यापारियों से जाता है और उसके बाद भी सरकार और प्रशासन व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं करती। तो मेरी सरकार से, प्रशासन से पुरजोर मांग है कि जल्द से जल्द अपराधियों को तो पकड़ा जाए, लेकिन उसके साथ साथ जितने व्यापारी हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कोई ऐसे इंतजाम किए जाए ताकि व्यापारी बिना डर के अपनी जो व्यापार चला सके। और मैं आप सबका धन्यवाद भी करती हूँ और आप सबको बधाई भी देती हूँ कि आज चाहे वो छोटे व्यापारी थे चाहे वो बड़े व्यापारी थे, सबने इकट्ठे होकर यहाँ पे एकता का परिचय दिया। धन्यवाद, जय हिंद। मैं आपको बताना चाहूंगा, दरअसल में डीजीपी से बात, सभी आदर के हो गए मेरे व्यापारी साथीगण, उपस्थित सभी जुराना के नौजवान साथी, जैसा कि आप पिछले दो दिन से देख रहे हैं अपने एरिया के अंदर इससे बड़ी दुखद घटना नहीं हो सकती। अगर इस प्रकार की घटनाओं पर प्रशासन के द्वारा तुरंत प्रभाव से लगाम नहीं लगाई गई तो उन लोगों का हौसला बढ़ेगा और आगे भी ये प्रसंग चलता रहेगा। इस बारे में मैं ज्यादा ना कहती हूँ क्योंकि बोलने वाले ज्यादा हैं। मेरी 26-36 बरादरी के भाइयों से प्रार्थना है कि व्यापारी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनका सहयोग दें और इसमें सभी जो राजनीतिक दल है वो अपनी राजनीति से ऊपर उठ करके इसमें पूर्ण सहयोग दें। खासकर जो अपने जो सरकारी तंत्र है उनसे भी अनुरोध है, उनसे अनुरोध है कि भाई मैं जल्दी से जल्दी अपना सख्त कदम उठाए और जो सरकार में नुमाइंदे बैठे हैं उनसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ और उनको आगाह भी करना चाहता हूँ। एक साथी ने कहा था कि भाई ये राजनीतिक आदमियों के शेष से ये काम चलता है, मैं सहमत हूँ इस बात से,
उन्होंने दबाव बनाना चाहिए प्रशासन को, इसमें सहयोग करना चाहिए। अगर दुर्मुल रवैया लगाएंगे और यहाँ बैठकर का हाजिरी लगाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है इस चीज के लिए। हम आपको पूर्ण आश्वासन देते हैं, जब भी किसी भी प्रकार की कोई सहयोग या कहीं चलने वाली बात होगी, हम 24 घंटे साथ चलेंगे। मैं जगवीर दलाल, गांव मेलड़ा, रोहित दलाल का पिताजी हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। कोई न्याय मिल सकता है? आप प्रशासन से पूछाते हो, पुलिस से चाहते हो, कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो अपना काम काज करेगा और सभी बेहतर गांव जो दुराने के लगते हैं, मैं उन सरपंचों से भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जो भी कोई भी बच्चा बदमाश है गांव में, तो बच्चा बदमाश रहता है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दे। भाई कोई तरह तरह करे अपने हफ्ते में जाकर के, ऐसे उनसे भी हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ। और साथियों, इकट्ठे रहोगे तो कामयाब हो जाओगे। नहीं, पुलिस और प्रशासन की ही काम का नहीं है, न सरकार काम की है। सरकार कुछ नहीं दे सकती 24 घंटे के बाद भी। आज हमें कुछ नहीं, कोई भी एक नुमाइंदा तक नहीं आया सरकार का, ये कहने के लिए भी आप दुकानों को बंद करके क्यों घबराए बैठे हैं? नाम और काम पता तो सरकार का एक नुमाइंदा भी नहीं आ सकता क्या? हम व्यापारी इतने मतलब घटिया किस्म के हो गए हैं तो सरकार का राजस्व बढ़ते हैं, खजाना बढ़ते हैं, सब टैक्सों से हमारी सरकार चलती है। 80% रेवेन्यू व्यापारियों से आता है, उसका भी आज कोई सुनने वाला नहीं है। इससे बड़ी दुख की बात क्या होती है? मैं तो व्यापारी भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि सारे इकट्ठे होकर के काम करोगे तो ठीक है, और अपने जो भी गांव गुआंड है सब भाइयों से मिलकर बात करोगे तो अपनी समस्या समाधान हो सकता है। सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है हमें। हम सरकार से मांग करते हैं कि अगर तुरंत हमारी समस्या सुने, नहीं तो उसका समाधान बदलना पड़ता है सरकार को। साथियों, नमस्कार।